अपने समय के प्रख्यात बुद्धिजीवी डॉक्टर रमेश चंद शाह को अब मैं आमंत्रित करता हूं कि वो इस सत्र की अध्यक्षीय वक्तव्य दें। डॉक्टर शाह। भाई नंदकिशोर आचार्य जी और सुधीर चंद्र जी, मित्रों मैं नहीं समझता कि इतने अधिकारी विद्वानों को छोड़ कोई भी दोनों तरफ से, क्योंकि इतिहास बोध एक तरफ और जिसे मैं स्पिरिचुअल कॉमन सेंस भी कहता हूँ, चाहे वो नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, इनका योग कि समसामयिक जगत गति पर भी आपकी पकड़ हो और साथ में समूचा इतिहास बोध भी हो और इन दोनों को आप मिला सकें, जोड़ सकें और तब विषय पर विचार करें, ये तभी संभव हुआ जब आपने ऐसे अधिकारी विद्वानों को बुलाया। मैं आयोजकों की इस गुणग्राहिता के लिए कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ, जैसे कि आप भी महसूस कर रहे होंगे कि सही लोगों को चुनना किसी भी, और बड़ा जटिल विषय है ये। मैं रोमारोला का कि डायरी है, रोमारोला दोनों के निकट थे, गांधी जी के निकट भी, बड़े गांधी जी को बहुत मानते थे और टैगोर के तो थे ही, उनकी डायरी पढ़िए आप, लिखा कि भाई इज टैगोर सो ऑब्सेस्ड विद गांधी, ऑल द टाइम ही इज क्रिटिसाइजिंग हिम, ऑल द टाइम ही इज टॉकिंग अबाउट हिम। तो कुछ पेच तो था और बहुत स्वाभाविक है, इसमें गलत क्या है, गड़बड़ क्या है इसमें। दो महापुरुष हैं अपने समय के, विलक्षण तेजस्वी लोग हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अतुलनीय हैं वो, तो क्या ज़रूरी है कि वो मिले ही आपस में उनके विचार हर चीज़ पर। इसमें कोई शक नहीं है कि जिसे आप भारतीय विरासत कहते हैं, हमारा तो आरंभ, इस सभ्यता को आरंभ, मैंने तो संसार के ज़्यादातर महाकाव्य पढ़े हैं, आपने भी पढ़े होंगे, मैंने तो ऐसी कोई साहित्यिक परंपरा, ऐसी कोई भाषा साहित्य का परिचय मुझे नहीं है जिसके उद्गम पर, जिसकी शुरुआत में ही दो महाकाव्य हों, एक घोर आदर्शवादी दूसरा घोर यथार्थवादी। महाभारत से ज़्यादा नेकेड रियलिज्म की आप कल्पना नहीं कर सकते, रामायण से ज़्यादा एक्सट्रीम उज्ज्वलतम आदर्शवाद की आप कल्पना नहीं कर सकते। आप ऐसी विरासत के प्रोडक्ट हैं जो कि अंतर्विरोधों और विरोधों के सामंजस्य पर खड़ी है, और ये जीवन का तर्क है, हर कवि जानता है इस बात को और हर बुद्धिमान व्यक्ति भी कहीं ना कहीं इस बात को समझता है कि सत्य अपने को पैराडॉक्स में ही प्रकट करता है, क्या करें इसका। सीधा बिल्कुल तार्किक और एकदम समाधान नहीं होता है, इसीलिए अंत में वो जो बिल्कुल लगभग अंधविश्वासी जैसी बात, हंसी में उड़ा देने लायक बात, एकदम तुरंत तंज के साथ उस पर रिएक्ट करने वाली बात जो थी, वो बात समझ में आती है। और सुधीर जी ने अपनी तरफ से भी कह दिया कि अब क्या ये सब बात समझ में नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं ये कहना कि भाई ये हमारे पापों का दंड है, ये सुनने में बड़ा अंधविश्वासी स्टेटमेंट लगता है, लेकिन आज जहाँ हालत पहुँचती है, जो इकोलॉजिकल डिजास्टर आपके सामने मुंहबाए खड़ा है, उसका कौन सा एक्सप्लेनेशन लॉजिकल आप दे सकते हैं। तो वो बात, ये हमारे पापों का दंड है, ये महज एक सुपरस्टिशन में रिड्यूस नहीं की जा सकती है, उसके पीछे जो व्यथा है, जो पीड़ा है, वह बहुत बड़ी है, वो उसको इस तरह से आप डिबेट की शब्दावली में नहीं व्यक्त कर सकते। तो ये जो स्पिरिचुअल कॉमन सेंस है, जिसके लिए और कोई बेहतर शब्द में मुझे सूझ नहीं रहा है, ये आपकी विरासत की अपनी विशेषता है।
अपने गड्ढे के दिनों में, एकदम गिरे हुए बिल्कुल बुरी हालत के दिनों में भी कहीं ना कहीं ये कॉमन सेंस किसी न किसी आदमी में प्रकट होती है, किसी न किसी महापुरुष में प्रकट होती है, वो आपको उबार लेती है उससे। तो ये जो चुनौतीपूर्ण विषय था हमारे सामने कि ये जो टैगोर आपकी संस्था का नाम ही उन पर है और उन पर इतना ज़्यादा आपने काम किया है, इतना वो किया है, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी है, ये भी एक महत्वपूर्ण अवसर। इन दोनों के संबंध को आप कैसे समझें? इन दोनों के संबंध पर एकाग्र तो होना ही पड़ता है, आप चाहें न चाहें, कि आखिर क्या बात है, क्या ये इतिहास विधाता की ये कैसी करतूत है कि इतने दो परस्पर असमंजस, दोनों एक दूसरे से इतने भिन्न, ऐसी दो घटनाएं एक साथ क्यों उत्पन्न हो गई। तीसरी घटना भी है श्री अरविंद, हमने सारा उनका पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, वो भी महात्मा गांधी से बड़े परेशान हैं, वो भी ये ना बिल्कुल। श्री अरविंद ने तो कहा ये मैं कोई दार्शनिक वार्शनिक नहीं हूँ, मैं तो पॉलिटिशियन था और पोएट था बस। तो राजनीति की समझ में उनके कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन वो पक पक पर रिएक्ट करते हैं गांधी जी के जो भी कृत्य हैं उनके प्रति उनका बहुत। और टैगोर ने तो अंत में जाके इतना समझा भी उसको, और वो वहाँ तो वो भी वैसी स्थिति भी नहीं था, हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, क्यों कोई यानी ऐसा संयोग बनता है इतिहास विधाता की ओर से कि ऐसे परस्पर असमंजस, लगभग धुर विरोधी प्रतीत होने वाले विचारों के पक्षधर कैसे मिलते हैं आपस में, क्या ज़रूरत है वो समय की जो कि ऐसे लोगों को एक साथ प्रकट करती है। ऐसा उदाहरण आपको समकालीन इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा कि इतने परस्पर विरोधी विचारों वाले जीनियस की कोटि के लोगों का प्राकट्य एक साथ हो, कहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर और कहाँ महात्मा गांधी और कहाँ श्री अरविंद, तीनों बहुत भिन्न हैं। ज़रूरी था ऐसा, ये आपके वहाँ हमेशा ऐसा रहा है, आपकी सभ्यता की विरासत की जहाँ से प्रकट होती है, जहाँ से शुरू होती है आपकी विरासत, वहीं विरोधाभास से शुरू होता है। पैराडॉक्सिकल वो है कि जो जिसने वास्तविकता यथार्थ का नंगा नाच प्रत्यक्ष नहीं किया है उसके आदर्श की भी वो कीमत नहीं हो सकती है। जो बुराई के अतल को छू सकता है वही अच्छाई के शिखर को भी देख सकता है। कहीं न कहीं भारतीय मन ने इसका साक्षात्कार अपनी शुरुआत में ही कर लिया था। आपके कवियों ने, चाहे वो वेद के कवि हों, पुराणों के हों, बाद के महाकाव्यों, सब में आपको ये, इसीलिए मैं इसको स्पिरिचुअल कॉमन सेंस कहता हूँ। और ये दोनों हमारे महापुरुषों में, जो आज की हमारी विचारणा के केंद्रीय पुरुष थे और जिन पर इतना अच्छा इतना सुंदर विवेचन आपने अपने दो परम अधिकारी विद्वान वक्ताओं के मुख से सुना, तो ऐसे मौके पर ही इन महापुरुषों का, जो इनसे पहले हो गए हैं, जो पूरी तरह इनसे ज़्यादा, महात्मा गांधी की शुरुआत कैसे हुई थी, इतनी अकिंचन शुरुआत आज तक दुनिया के किसी महापुरुष की नहीं हुई होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया में पाठकों के पत्र नाम का जो कॉलम निकलता था उसमें चिट्ठी लिखने का लत थी उनको, लगातार लिखते थे वो। और उनको ये भी राज्य व्यवस्था की क्या, राज्य सरकार की क्या सीमाएं हैं, ये भी सब पता है उनको। और कितने लोगों को उन्हें पत्रकार के रूप में भी, गांधी जी के कर्म को आप देखिए तो लगेगा कि क्या बात है ये। इसीलिए कृपलानी जी कहते हैं कि उनका सारा जोर इस बात पर था, उनका चिंतन एक क्रिएटिव
अभी कहानी या कविता में ही थोड़ी क्रिएटिव हुआ जाता है, क्रिएटिव होने के और भी लक्षण होते हैं। वो उस लक्षणों के अनुसार गांधी जी क्रिएटिव आदमी थे, आइडियोलॉग नहीं थे। आज हम जिन आइडियोलॉगों का नंगा नाच देख रहे हैं हिंदी साहित्य में भी और जगह में भी, जिनको कोई सेंस ही नहीं है कोई मतलब, तो ये जो है महात्मा गांधी ने 25 बार कहा है, ये मेरे पास कोई संदेश नहीं है, मेरी कोई गांधीवाद, कृपया गांधीवाद शब्द का प्रयोग करना बंद करें, गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पीछे अपना कोई संप्रदाय छोड़ के जाऊं। है किसी आइडियोलॉग में ये कहने की हिम्मत? बड़े से बड़ा आइडियोलॉग भी नहीं कह सकता ऐसा, इसलिए कि इस बात के प्रमाण हैं सैकड़ों कि गांधी जी ने जिस पर असर डाल, जो भी असर में आया, उन्होंने उसको अपने एक तरफ महाजिद्दी, दूसरी तरफ ऐसी उनकी खासियत है उनके व्यक्तित्व की कि ये कृपलानी ने ही नहीं, सैकड़ों और लोगों ने भी नोट किया है इस बात को। आपके साहित्यकार सबसे बड़े जिन्होंने जो गांधी से प्रभावित हुए, गांधीवादी कहना तो उनका अपमान करना होगा, बहुत छोटी बात है गांधीवादी होना, कई हो जाते हैं, लेकिन जिसने उस दर्द को सच में जिया है और साहित्य में व्यक्त किया उसको, ऐसे जैनेन्द्र कुमार, सब लोग यही कहते हैं कि गांधी जी जिस पर प्रभाव डालते थे, जो उनके संपर्क में आता थे, उसे अपनी विलक्षणता में मुक्त कर देते थे। यानी उन्हें ये बार बार वो लिखते, एक दिन जवाहरलाल के बारे में भी वही भाषा उपयोग की है उन्होंने जो जयप्रकाश के बारे में। मुझे पक्का विश्वास है कि एक दिन जवाहरलाल मेरी बात मानेगा, मुझे पक्का विश्वास है कि दिन जयप्रकाश भी। किस बात पर विश्वास है आपको? क्यों विश्वास है? ये क्या स्रोत है इसका? ये क्या चीज़ है? इस बात को आज समझने की ज़रूरत है। और आज के दोनों अधिकारी विद्वानों के मार्मिक वक्तव्यों को सुनने के बाद सचमुच ये मन में बैठता है कि हमें वास्तव में इनको फिर से समझने की ज़रूरत है। जो मुझे ये सौभाग्य मिला कि ज़िंदगी शुरू करते हुए एक साहित्य निकेतन की स्नातिका से मेरा परिचय हुआ, जो प्रथम स्नातिका लगभग थी, तो कैसा वातावरण था, कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट था वो शिक्षा के क्षेत्र में, कितना बड़ा। और आज विश्व भारती उस ऊंचाई पर नहीं है, उसकी भी गति कुछ वैसी ही हो रही है जैसे देश के दूसरे विश्वविद्यालयों की हो रही है। तो जो गांधी की देन का जो हो रहा है, वही टैगोर की देन का भी हो रहा है। ये बड़े सबसे बड़े डिजास्टर, सबसे बड़ी चिंता की बात ये है। हम ऐसे अवसरों से अपने विद्वानों की बातें सुन करके अगर हम इसकी तरफ उन्मुख होते हैं, सजग होते हैं, तो यही इसका सबसे बड़ा लाभ है। मैं दोनों आज के वक्ताओं को इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और आप सबको भी कि इतने धीरज से, मन से आपने इस पूरे कार्यक्रम को सुना। धन्यवाद।